दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं संतरा के बारे में। संतरा खाने से आपको क्या क्या फ़ायदा होगी और संतरा खाने से क्या इसका नुकसान भी है, और दिन में कौन सा समय में संतरा खाने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले संतरा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संतरा एक साइट्रस फ्रूट है और खाने में थोड़ा खट्टा मीठा होता है। आप जानकर हैरान होंगे कि संतरा खाने से आपका मूड तुरंत ठीक हो जाता है। संतरा पोषक तत्व से भरा हुआ एक स्वादिष्ट फल है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कोलिन और फोलेट रहता है। इसके अलावा इसमें 170 से भी ज़्यादा फाइटोकेमिकल्स और 60 से भी ज़्यादा फ्लेवोनोइड रहता है, और इसमें काफ़ी मात्रा में पोटाशियम भी रहता है। इससे आपको शायद अनुमान हो गया होगा संतरा खाने से आपको कितने फ़ायदे मिलेंगे। दोस्तों, संतरा खाने का कई फायदे होते हैं, जैसे कि संतरा इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है। दोस्तों, संतरा एक साइट्रस फ्रूट होने के कारण इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन सी रहता है, और ए शरीर के अंदर वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण से बचाने वाले श्वेत रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ावा देता है। इसके अलावा इसमें काफ़ी मात्रा में पॉलीफेनॉल रहता है, जो कि वायरल संक्रमण से शरीर को बचाता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसमें फोलेट और विटामिन ए सब मिलाकर रोग प्रतिरोध शक्ति को काफ़ी हद तक बढ़ाता है। संतरा शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाता है। दोस्तों, संतरा में पेक्टिन बोलकर एक फाइबर रहता है, जो शरीर में वर्तमान खराब कोलेस्ट्रॉल LDL की मात्रा को घटाता है और अच्छी कोलेस्ट्रॉल HDL की मात्रा को बढ़ाता है। अगर आपका शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा है तो आप रोज़ाना संतरा को अपने डाइट में शामिल करें। संतरा हार्ट के लिए बेहद लाभदायक होते हैं। दोस्तों, संतरे में काफ़ी मात्रा में पोटाशियम, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट रहता है, जो हार्ट के लिए बेहद अच्छी मानी जाती है। इसमें वर्तमान फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट धमनियों को मजबूत करती है, और इसमें पोटाशियम रहने के कारण आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो ओवरऑल हार्ट का हेल्थ के लिए संतरा बेहद लाभदायक है। अगर आप उम्र के साथ साथ अपना हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो ज़रूर रोज़ाना संतरा का सेवन करें। संतरा आर्थराइटिस जैसी बीमारी में राहत देती है। दोस्तों, एक रिसर्च में पाया गया है, रोज़ाना 3 से 4 अगर आप संतरा खाते हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बीमारी के विकास को रोकने में सक्षम होती है। दोस्तों, संतरे में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी रहने के कारण जोड़ों का सूजन को कम करने में भी मदद करती है। अगर आप आर्थराइटिस जैसे बीमारी में राहत पाने चाहते हैं तो ज़रूर संतरा को रोज़ खाए। संतरा किडनी में स्टोन होने से बचाती है। दोस्तों, संतरा किडनी के बीमारियों के लिए वरदान समान है, क्योंकि इसमें वर्तमान उच्च विटामिन सी और साइट्रिक एसिड मूत्र के साइट्रेट के लेवल को बढ़ाकर किडनी में कैल्शियम ऑक्सालेट यानी पत्थर होने से रोकता है। इसके अलावा किसी का अगर यूरिक एसिड का मात्रा ज़्यादा होता है तो उस व्यक्ति का किडनी में स्टोन होने का खतरा बढ़ जाता है। इस दोनों केस में संतरा बेहद अच्छी काम करती है और यूरिक एसिड के मात्रा को भी काफ़ी हद तक घटा देती है। संतरा आपका वजन को कम करने में मदद करता है। दोस्तों, संतरा ऐसे भी लो कैलोरी फ्रूट है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो ज़रूर संतरा खाए, क्योंकि संतरा में काफ़ी मात्रा में फाइबर भी रहने के कारण आपका स्टोमाक को ज़्यादा समय के लिए फुल महसूस कराता है। इससे आपका ओवरऑल जो कैलोरी इंटेक है वो कम हो जाता है, इससे आपका वजन घट जाता है। संतरा कैंसर जैसे घातक बीमारी को रोक सकता है। इसमें वर्तमान एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि हेस्पिरिडिन और नेरिंजिनिन कैंसर के जाम से लड़ने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, अमेरिका के एक रिसर्च में पाया गया है, कोई बच्चा अपना प्रारंभिक जीवन में 2 साल तक अगर हर रोज केले और संतरा खाते हैं तो उसका ल्यूकेमिया या कैंसर होने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। संतरा आपके आईसाइट को इम्प्रूव करता है। दोस्तों, संतरा में विटामिन ए रहने के वजह से आपके आँख के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा संतरे में बीटा कैरोटीन और कैरेटिनॉइड रहता है, जो कि आँख का पुराना रोगों को भी ठीक कर देता है। अगर आप उम्र के साथ साथ आँख का रोशनी को बरकरार रखना चाहते हैं तो रोज़ाना आप संतरा का सेवन करें। संतरा आपको उम्र दराज भी करती है। दोस्तों, ऐसे भी संतरा को एक उम्र घटाने वाला फल के रूप में देखा जाता है। उम्र के साथ साथ हम लोग का शरीर में काफ़ी सारा डेड सेल पैदा होते हैं। इसको बाहर निकालने के लिए
एंटीऑक्सीडेंट का बड़ा रोल होता है। इसके अलावा शरीर में नया कोशिकाओं को जन्म देती है, इससे शरीर में त्वचा की चमक और धमक बरकरार रहता है। संतरा डायबिटीज जैसे बीमारी के लिए बेहद लाभदायक है। ऐसे भी संतरा लो कैलोरी फूड है। इसके अलावा ये फल ज़्यादा मीठा ना होने की वजह से इसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा जो है काफ़ी कम होता है, और फाइबर ज़्यादा रहने के वजह से आपका स्टोमा को ज़्यादा देर तक फुल रखता है। इसीलिए डॉक्टर भी डायबिटीज़ के पेशेंट को संतरा खाने का सलाह देते हैं। दोस्तों चलो अब बात करते हैं संतरा खाने के नुकसान के बारे में। ऐसे तो हम लोग जान चुके हैं संतरा खाने के कई फायदे हैं, लेकिन इसका नुकसान भी है। अगर आप संतरा ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं तो इससे क्या होता है, इसमें वर्तमान फाइबर आपका पाचन तंत्र को प्रभावित करता है और पेट में ऐंठन और पेट दर्द हो सकती है। अगर किसी को पहले से हार्टबर्न जैसे बीमारी है तो संतरा का सेवन कम से कम करें, क्योंकि ये एक साइट्रस फ्रूट है, इसमें एसिड के मात्रा ज़्यादा होते हैं, इससे आपका हार्टबर्न और भी बढ़ सकती है। अगर कोई मरीज बीटा ब्लॉकर जैसे दवाई का सेवन करते हैं तो वो संतरा का सेवन ना करे। अब चलो जानते हैं संतरा खाने का सही समय कौन सा है। ऐसे भी संतरा खाने का कोई पर्टिकुलर समय नहीं होता है, फिर भी आप भरपेट खाने के बाद संतरा का सेवन ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि संतरे में एसिड की मात्रा काफ़ी होने की वजह से आपका स्टोमाक में एसिड का लेवल को बढ़ाकर आपका तकलीफें बढ़ा सकती है। सबसे बेस्ट रहता है अगर आप दिन के प्रारंभ में संतरा का जूस पिए। अगर जूस नहीं भी होता है तो आप संतरा को ऐसे भी खा सकते हैं। आज के लिए यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्त और रिलेटिव को शेयर करें। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि फिर हम दोबारा मिले। धन्यवाद।